नमस्कार दोस्तों, बचपन में वीडियो गेम तो आपने भी खूब खेला होगा जिसमें बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं और गेम डेवलपर्स की बनाई हुई दुनिया में रियलिटी का एक अनोखा अनुभव कराते हैं। कभी कभी तो हम उस गेम में इतना खो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि यह एक रियल वर्ल्ड ही है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आखिर हम जो सपने देखते हैं वह भी एक सोचे समझे गए प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं। और केवल सपने ही नहीं बल्कि जो कुछ हमारे सामने है या हो रहा है वह सब कुछ एक प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं। अब इतना कुछ जानने के बाद मन में यह सवाल आता है कि कहीं यह दुनिया भी एक सिमुलेशन तो नहीं, रियल दिखने वाली दुनिया बस एक भ्रम तो नहीं, और इस सिमुलेशन में हम सभी फंस कर ही रह गए हैं, या हमको वीडियो गेम की तरह कोई न कोई ऑपरेट कर रहा है। गेम ऑफ लाइफ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें शुरुआत में हम कुछ निर्देश देते हैं और उसके बाद सिमुलेशन के नियमों का एक छोटा सा सेट चलने लगता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और इसमें कुछ पैटर्न बस थोड़े समय तक चलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। गेम की भाषा में कहें तो मर जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ पैटर्न हमेशा के लिए चलते रहते हैं। आज जो भी गेम आप खेलते हैं वह इसी कंप्यूटर सिमुलेशन के सिद्धांत पर बने हैं। ऐसे गेम जिसे हम अपनी इच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका संबंध भी सनातन विज्ञान से है। सनातन विज्ञान ने आधुनिक खोजों और प्रयोगों के पहले ही इस सिमुलेशन की मूलभूत बात को दुनिया के सामने ला दिया है, लेकिन वह कैसे, इसका उत्तर भी इसी वीडियो में आगे आपको मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम इसी प्रश्न पर बात करेंगे और वीडियो के अंत में आपको इसका फुल प्रूफ भी देंगे, जिसमें हम माया या इल्यूशन के गहरे राज से पर्दा उठाएंगे। इस प्रश्न ने मानव के पूरे इतिहास और विज्ञान को हिला कर रख दिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो ने अपनी एक बुक द रिपब्लिक में दृष्टि भ्रम और वास्तविकता के संबंध को बताने के लिए एक गुफा का उल्लेख किया, जिसमें कुछ कैदी बांध कर रखे गए थे जो गुफा की दीवार पर बनने वाली छाया को वास्तविक मानते हैं, और उन्हीं को जब उस स्थिति से बाहर निकालकर वास्तविक दुनिया की चीजों को दिखलाया जाता है तो भी कुछ समय के लिए उनके मन में छाया रूपी अवास्तविक चीजों और वास्तविक चीजों में भ्रम बना ही रहता है। ग्रीक फिलोसोफर सुकरात का भी मानना था यह दुनिया असल दुनिया नहीं है। भगवद गीता में भी इसका उल्लेख है, जिसमें कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह संसार एक माया है। रेने डिकार्टेस ने वास्तविकता को निश्चितता पर सवाल उठाया और बताया कि एक दुष्ट दानव हमें दुनिया की वास्तविक प्रकृति के बारे में धोखा दे सकता है। जीन बॉडरिलार्ड ने अपनी एक पुस्तक में लिखा कि हम सिमुलेशन की दुनिया में रहते हैं। दार्शनिक निक बोस्ट्रोम का एक सिमुलेशन तर्क बताता है कि उन्नत सभ्यताएं नकली वास्तविकताएं बना सकती हैं, जिससे यह अधिक संभावना है कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। यह सबसे ज्यादा फेमस सिमुलेशन आर्गुमेंट है। साल था 2003 जब सिमुलेशन आर्गुमेंट फिलोसोफर निक बोस्ट्रोम ने दुनिया के सामने रखा। उनके अनुसार मानव जाति एक अधिक उन्नत सभ्यता के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हो सकती है। इसके अलावा महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग भी सिमुलेशन थ्योरी को सच मानते थे। एलोन मस्क की सिमुलेशन परिकल्पना द्वारा मस्क ने बताया कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हम एक अधिक उन्नत सभ्यता द्वारा बनाए गए सिमुलेशन में रह रहे हैं। द मैट्रिक्स फिल्म ट्रिलॉजी में एक ऐसी दुनिया को दिखाया गया है जहां मनुष्य एक नकली वास्तविकता में कैद है जो उनके अस्तित्व की प्रकृति पर सवाल उठाते हैं। साल था 1801 और भौतिक विज्ञानी थॉमस यंग ने डबल स्लिट प्रयोग किया, जिसमें क्वांटम फिजिक्स की एक नई थ्योरी सुपरपोजिशन दिया गया। उन्होंने देखा कि जब एक स्लिट के माध्यम से प्रकाश की किरणों को पार कराते हैं तो यह प्रकाश की एक रेखा उत्पन्न करती है, जैसा कि होना भी चाहिए, लेकिन जब प्रकाश की किरणों को डबल स्लिट के माध्यम से पार कराया गया तो कुछ अजीब हुआ और यह प्रकाश की दो रेखाओं के बजाय कई रेखाएं दिखने लगी। दुनिया की यह एक महानतम खोज थी, जिससे पता चलता है कि फोटोन पार्टिकल्स के अलावा एक वेव की तरह भी बिहेव करते हैं, जैसे कि वे स्लिट के माध्यम से अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। इस प्रयोग से पता चला कि पदार्थ कणों और तरंगों दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। VR तकनीक से वर्चुअल दुनिया और वास्तविक दुनिया के बीच की रेखा को काफी हद तक कम कर दिया गया है, जिससे ऐसे भविष्य की कल्पना करना आसान हो गया है जहां वास्तविकता का नकल किया जा रहा है। मस्तिष्क की धारणा तंत्र के अध्ययन से यह सवाल उठता है कि हमारा मस्तिष्क संवेदी इनपुट से हमारी वास्तविकता का निर्माण कैसे करता है। स्पष्ट सपनों में व्यक्तियों को पता चलता है कि वे सपना देख रहे हैं और वे अपने सपनों की वास्तविकता में हेरफेर कर सकते हैं, जिससे सपनों की दुनिया और जागने वाले जीवन की दुनिया के बीच में आपको एक भ्रम सा हो जाएगा। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे एक सपना आया और उसके बाद जीवन में कोई घटना घटी, भले ही वह उस सपना के कुछ दिनों के बाद घटी, लेकिन मुझे लगा कि कहीं फिर मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, या ऐसा लगा कि मेरे साथ ऐसा दोबारा क्यों हो रहा है। हमारे बुरे या अच्छे सपने और रियल लाइफ की हमारी धारणा दोनों हमारे दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स में घटित होते हैं। यही कारण है कि उनके बीच अंतर बताना मुश्किल हो जाता है। कुछ साइकोट्रोपिक पदार्थ धारणा और चेतना को बदल सकते हैं, जिसमें शामिल है अवसाद निरोधी दवाएं, एंटीसाइकोटिक्स, हिप्नोटिक्स, और आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। फर्मी पैराडॉक्स के अनुसार जब हम ब्रह्मांड में दूर दूर तक देखते हैं तो हमें जीवन के कोई भी अन्य लक्षण क्यों नहीं दिखाई देते। क्या हम ब्रह्मांड में वास्तव में अकेले हैं, या हम दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने में पूरी तरह से प्रयास नहीं कर रहे हैं? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जो इतनी विकसित हो सके कि वह हमें खोज सके और हम तक पहुंच सके? आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी ही जीवन के लिए इतना उत्तम स्थान क्यों है, और दूसरे ग्रह जैसे कि मंगल, बुध, शुक्र आदि भी क्यों है? एंट्रोपिक प्रिंसिपल कहता है कि पृथ्वी पर सब कुछ इतना सटीक क्यों है? कुछ भी हो, सूर्य से इतनी दूरी हो, या यहाँ का वातावरण, या फिर ग्रेविटी, क्या इन्हें ऐसा बनाया गया है या प्रोग्राम किया गया है? वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट जैसे ऑनलाइन गेम में वास्तविक अर्थव्यवस्थाएं हैं जो गेम के भीतर और वास्तविक दुनिया के बीच के अंतर के बारे में भ्रम पैदा करती हैं। क्वांटम भौतिकी का हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत बताता है कि जितना अधिक हम एक कण के बारे में जानते हैं उतना ही
ही कम हम दूसरे के बारे में जान सकते हैं जिसका अर्थ वास्तविकता को हमारी समझ में अंतर्निहित सीमाएं हैं। समानांतर ब्रह्मांड या मल्टीवर्स का सिद्धांत अनंत वैकल्पिक वास्तविकताओं के अस्तित्व को मानता है जिसमें से हमारे कुछ हमारे अपने से काफी भिन्न हो सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। आप अपने कंप्यूटर या फोन या फिर जिस डिवाइस पर भी यह वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं वह डिवाइस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर परमाणुओं से बना है, लेकिन आप वास्तव में उन एटम्स को नहीं देख सकते जब तक कि आप इसके ऑब्जर्वेशन के लिए माइक्रोस्कोप उपकरण नहीं देते हैं। आपने गेम में देखा ही होगा कुछ चीजें हमें तभी दिखती हैं जब वास्तव में उन्हें देखते हैं। तो क्या यह सच नहीं हो सकता कि हम इंसानों को भी कोई वस्तु तभी दिखती है जब हम वास्तव में उसे देख या छू रहे हों। इस बात को थॉमस यंग ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में साबित भी किया है जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है। दोस्तों, जब भी हम किसी वस्तु या चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे सेंस ऑर्गन हमारे दिमाग को एक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है जिसके आधार पर दिमाग हमें उस वस्तु का एहसास कराता है। एक निश्चित तरीके से दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाने के लिए दिमाग हमारे सेंसेज यानी इंद्रियों का उपयोग करता है। इसलिए हमारे दिमाग के पास इतनी क्षमता है कि यह हमें वास्तविकता को किसी भी प्रकार से दिखा सकता है। जैसे कि हमारे सपने, जब हम सपना देख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ वास्तव में है, लेकिन असल वास्तविकता के बारे में तभी पता चलता है जब हम जागते हैं। हम डीपली साइंस की दुनिया में नहीं जा रहे, लेकिन हमें क्वांटम फिजिक्स में पदार्थ के सुपरपोजिशन सिद्धांत से पता चलता है कि मैटर सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सहित ये सभी कण तब तक तरंगों की स्थिति में रहते हैं जब तक कि वो ऑब्जर्व नहीं किए जा रहे हों यानी देखे नहीं जा रहे हों। वास्तव में क्वांटम स्तर पर ये कणों की तरह बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते। इस अवधारणा को सुपरपोजिशन कहा जाता है जिसका अर्थ है कि एक कण कई संभावित स्थितियों में तब तक मौजूद रहता है जब तक कि उन्हें मापा नहीं जाता। अब ये तो हो गई विज्ञान, आज सिद्ध कर रहा है कि हम सिमुलेशन या भ्रम में जी रहे हैं और वास्तविकता तो कुछ और ही है। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व आदि शंकराचार्य ने इन खोजों और प्रयोगों के पहले ही अद्वैतवाद के सिद्धांत को दिया था। अद्वैतवाद सिद्धांत सिखाता है कि अंतिम वास्तविकता ब्रह्म है और भौतिक दुनिया और व्यक्तिगत पहचान सहित बाकी सब कुछ एक भ्रम माया है। इस दर्शन के अनुसार वास्तविकता की हमारी धारणा अज्ञानता से घिरी हुई है और आध्यात्मिक अभ्यास और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति ब्रह्म के साथ एक होने के रूप में अपनी वास्तविक प्रकृति का एहसास करने के लिए माया को पार कर सकता है। प्रसिद्ध कथन ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या इस विचार को समाहित करता है जिसका अनुवाद है, ब्रह्म वास्तविक है, दुनिया एक भ्रम है। माया की अवधारणा अद्वैत वेदांत से निकटता से संबंधित है। यह भौतिक संसार के भ्रामक और भ्रामक प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। माया को अक्सर एक पर्दे के रूप में वर्णित किया जाता है जो वास्तविक वास्तविकता की हमारी समझ को ढक देता है। सनातन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभूति की खोज में अक्सर चेतना और जागरूकता की उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए माया को पार करना शामिल होता है। बौद्ध धर्म जो कि सनातन धर्म से ही निकला हुआ एक मार्ग है, उसमें भी माया या माला के रूप में लिखा जाता है। एक अवधारणा है कि जो संवेदी अनुभव के भ्रामक प्रकृति और भ्रम का प्रतीक है जो दुख की ओर ले जाती है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञानोदय के दौरान माला का सामना किया जो आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालने वाले विकर्षणों और भ्रमों का प्रतिनिधित्व करता है। माला के प्रलोभनों पर काबू पाना आत्मज्ञान और पीड़ा के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। सिद्धार्थ गौतम जिन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है ने दुख की प्रकृति और स्वयं की भ्रामक प्रकृति के बारे में सिखाया और बताया। बौद्ध दर्शन में अनत्ता या अनात्मन की अवधारणा बताती है कि स्वयं एक भ्रम है और स्वयं के प्रति लगाव दुख की ओर ले जाता है। सभी चीजों की अनित्यता बौद्ध विचार में केंद्रीय विषय है। लगभग 535 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस के विचारक हेराक्लिटस को निरंतर परिवर्तन के सिद्धांत और इस विचार के लिए जाना जाता है कि सब कुछ प्रवाह की स्थिति में है। दुनिया की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने प्रसिद्ध रूप में कहा, आप एक ही नदी में दो बार कदम नहीं रख सकते। इससे पता चलता है कि दुनिया एक स्थिर स्थायी वास्तविकता नहीं है बल्कि एक निरंतर और हमेशा बदलती रहने वाली प्रक्रिया है जिसे एक प्रकार के भ्रम के रूप में देखा जा सकता है। प्राचीन ग्रीस के एक और विचारक पाइमेनाइड्स का विचार था, वास्तविकता अपरिवर्तनीय है और दिखावे की दुनिया भ्रामक है। उन्होंने तर्क दिया कि हमारी इंद्रियां हमें धोखा देती हैं और सच्ची वास्तविकता एक एकल अपरिवर्तनीय और अविभाज्य इकाई है। और अंत में सभी थ्योरीज को देखने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि आज विज्ञान भी वही कह रहा है जो कि आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे थे, काल और कालांतर हो सकता है। एक और आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि सभी कुछ दृश्य अदृश्य ब्रह्म ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। और वहीं सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार भगवान एक प्रोग्रामर हो सकते हैं जिन्होंने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है। लेकिन सिमुलेशन थ्योरी साथ ही यह भी कहती है कि भगवान ऐसा क्यों करेंगे। हो सकता है भगवान या फिर प्रोग्रामर यह देखना चाहता हो कि कोई सभ्यता कैसे विकसित होती है। सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार जिस भी व्यक्ति को सिमुलेशन में जीवन के अस्तित्व का पता चल जाता है, भगवान यानी प्रोग्रामर उसे प्रोग्राम से डिलीट कर देता है। उदाहरण के लिए वे सभी ऋषि मुनि जो तपस्या करते करते अपना शरीर त्याग देते हैं, या फिर वे सभी वैज्ञानिक और लोग जिनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार अगर हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है तो यह भी हो सकता है कि जिन्होंने हमारी दुनिया बनाई हो सकता है उनकी दुनिया भी सिमुलेटेड हो। और यहाँ यह क्रम कहाँ तक है कह पाना संभव नहीं है। हो सकता है कि किसी दिन हम इस सिमुलेशन के कोड को क्रैक कर लें और एक नई सिमुलेटेड दुनिया में चले जाएं और फिर यह क्रम चलता ही रहे। दोस्तों, आपका एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब हमको प्रेरणा देता है और सिमुलेटेड दुनिया और सनातन की बात को आप तक पहुंचाने में। तो देर किस बात की, अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।